अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू MS इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा ही, आज ये 19 इंच का पैनल है, ठीक है, चाइना का। तो इसका प्रॉब्लम हाफ़ डिस्प्ले है, ठीक है, हाफ बिल्कुल ओके है और हाफ नहीं ओके, हाफ में लाइनिंग आ रही है। और इसका मॉडल नंबर आप चेक कर लें, इसका मॉडल नंबर है M190EN02, ठीक है। तो अभी मैं इसको आपको ना ऑन करके चेक करवाता हूँ। ये हमारी पावर इन हो गई है, सही है। अभी इसको ऑन करते हैं। ये ऑन हो गई है, अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ इसका, ठीक है। ये देखें, ये हाफ डिस्प्ले में है, ठीक है। तो अभी हम इसको रिपेयर करेंगे, तो बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम वक्त में, ठीक है। तो आपने गौर से देखना है, सही है। पहले सबसे पहले ना फॉल्ट पे गौर किया अगर अभी फॉल्ट आ के आ रहा है, ठीक है। अभी हमारा जो हाफ डिस्प्ले आ रहा है ना, वो बिल्कुल ओके है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा डीसी टू डीसी आईसी बिल्कुल ओके है, और हमारे वोल्टेज जो 5 वोल्टेज बनने होते हैं ना, AVDD, VGL, VGH, VCOM और VCC, ठीक है, वो बिल्कुल ओके हैं। तो हमारा आगे कोई लो सिग्नल जो होता है ना, मिली बहुत ही कम वोल्टेज, उसका कोई प्रॉब्लम है, सही है। तो अभी हम उसको चेक करते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको उसको वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ, सही है। तो इसका एक बहुत ही इस मॉडल का, ठीक है, ख़ास तौर पे इस मॉडल का एक बहुत ही सिंपल ट्रिक है, सही है। तो आपको मैं पहले दिखा दूँ कि वोल्टेज चेक करके, ये हमने ग्राउंड पे प्रॉब की, ठीक हो गया। अभी हम इसके यहाँ पे ना, ये एक ये वाला फ्यूजेबल रेजिस्टेंस लगी होती है, ठीक है, या आप इसे वो भी फ्यूज़ भी कह सकते हैं, और एक ये वाली या कॉइल भी कह सकते हैं। एक B5 है और एक B6 है, ठीक है। तो अभी हम इसके वोल्टेज इसकी इनपुट से चेक करते हैं, ठीक है। ये देखिए 1.41, ठीक है, इसकी इनपुट वोल्टेज आ रही है, ये भी इसकी दूसरी साइड पे, ठीक है। इसकी 1.5, सही है, इसकी 1.34 है, और इससे की 1.55, सही है। तो अभी इसकी आउट पे चेक करते हैं। अभी ये देखें, आउट बिल्कुल नहीं हो रही, सही है, और इस पे भी बिल्कुल आउट नहीं हो रही, ठीक हो गया। अभी इसी तरह हम इसकी इनपुट पे चेक करते हैं, दे देखें 1.53 और 1.43, ठीक है। एक साइड पे 1.4 होने चाहिए और एक साइड पे 1.5 होने चाहिए, ठीक है। इसी तरह इस कॉइल को आउट भी करना चाहिए, सही है ना। अभी हम इसकी आउटपुट चेक करते हैं, ये देखें 1.46 और 1.47, सही है। इसी तरह ये देखें ना, एक साइड की जो हाफ स्क्रीन आ रही है, उसकी एक साइड के वोल्टेज बिल्कुल ओके है, हमारा डिस्प्ले बिल्कुल ओके आ रहा है, ठीक है। ये दूसरी साइड की है, तो अभी ये देखें, ये इनपुट तो दे रही है, ठीक है, इनपुट आ रही है, लेकिन आउटपुट नहीं आ रही, सही है। ये देखें, इनपुट आ रही है 1.4 और आउटपुट नहीं आ रही, ठीक है, कभी कम हो रही कभी ज़्यादा हो रही। इसी तरह ये दूसरी साइड पे भी नहीं आ रही, तो इसे हम उतार के सिंपल जम्पर करेंगे, ठीक है। पहले मैं आपको गौर से दिखा दूँ, ये खास तौर पे इस मॉडल में आता है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, ये वाली कॉइल है, ये वाली, ठीक है, B5, ठीक है, और ये B6, ठीक हो गया। अभी हम इस वाली कॉइल को जंप कर देते हैं, ठीक है, इसके इसको रिमूव करके ना, इसके आमने सामने के पॉइंट आपस में टच कर देनी है, ठीक है।
ठीक हो गए ये हमारे दोनों जंपल लग गए। ठीक है अभी हम इसको अभी हम इसको अच्छे से वॉश कर लिया है और आपको क्रीप करके भी चेक कर लेते हैं। ठीक हो गया ये हमारे जम्पर लग गए। ठीक है तो अभी मैं इसको पावर इन करके आपको इसका डिस्प्ले चेक करवाता हूँ। यार ये वीडियो मैं बिल्कुल लाइव बनाता हूँ ठीक है, तो इसलिए थोड़ी बहुत ही ना ये जो कैमरा हिल जाता है ये मैं उतार देता हूँ। ठीक है जी हमारा डिस्प्ले बिल्कुल ओके है, मुकम्मल हो गया। ठीक है तो इस मॉडल में ना ये ख़ास तौर पे फॉल्ट आता है, तो आप भी इसे इजी से रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है अल्लाह हाफिज़।